guys, welcome to my channel. मैं हूं रौनक and I hope you all are doing absolutely good, better, best. और हमें हमेशा best ही रहना चाहिए. और आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज. कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मैंने आपके साथ एक मेकअप की किट शेयर की थी जिसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और वो मुझे मिली थी कंप्लीट मेकअप किट 210 रुपए में. अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ऐसा था कुछ देख लेना, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो. और अब मुझे फिर से एक और मेकअप किट मिली है मीशो पे जो कि 400 रुपीज की समथिंग थी जिसको मैंने ऑर्डर कर लिया है और यहाँ पे रखी हुई है तो ये मुझे मिली थी कुछ 400 रुपीस की. और 400 रुपीस में ना आपको कंप्लीट मेकअप मिल रहा था, सब कुछ ए टू जेड विद आई शैडो पैलेट. तो इसी को देख के मैंने फटाक से इसको ऑर्डर कर लिया है और अब हम करेंगे इसको टेस्ट. मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अभी तक इसको अनपैक या अनबॉक्स नहीं किया है, आपके सामने ही मैं इसको करूंगी, ठीक है. लेकिन उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो किया करो, ये मेरी इंस्टा की आईडी है. और अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा बड़ा बॉक्स आया है इसके अंदर, जो अगली बार का था ना वो काफी ज्यादा छोटा सा था. आप देखना ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं इस बॉक्स के अंदर, तो क्या ये बॉक्स वर्थ है. और आप ये चेक करो, पूरा का पूरा डब्बा भरा पड़ा हुआ है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा सामान आया है इसके अंदर. तो सबसे पहला हमें मिला है ये ब्यूटी ब्लेंडर, वाह अच्छा है. उसके बाद ये प्राइमर है, फिर उसके बाद ये फाउंडेशन है, फिर हमें मिला है ये आईलाइनर, अरे वाह काफी सारी चीजें यार इस बार तो. और ये क्या है, ग्रेस्प का मेकअप फिक्सर, ओके ठीक है कोई बात नहीं. और ये 5-in-1 वाली लिपस्टिक मिली है, अरे वाह क्या बात है. उसके बाद ये मस्कारा आईलाइनर 3-in-1 का सेट मिला है. फिर ये छोटू सा हेलो किटी का बॉक्स, वहाँ पे ब्लैक दिखा रहा था तो मुझे लगा कि चलो ब्लैक मिल जाएगा, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है. ये कॉन्टोर स्टिक मिली है और ये आई शेडो पैलेट मिला है, ठीक है. किट में मॉइस्चराइजर आया नहीं है, फेस को मॉइस्चराइज तो करना पड़ेगा, तो मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पैरिस की रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल हाइड्रेटिंग जेल क्रीम की और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत टाइम से मैं इसको यूज करती हुई आ रही. तो मैं सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगी जो जो मैं यूज कर रही हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हो व्यू प्रोडक्ट पे जाके, ठीक है. तो बहुत ही छोटी सी तो बहुत ही कम सी क्रीम लेनी है और अप्लाई कर लो पूरे फेस पे, मजा आ जाएगा. मेकअप किट में सबसे पहला मुझे मिला है ये हुडा ब्यूटी का फील मी मैट प्लस पोरलेस ऑयल फ्री प्राइमर. और आप ये चेक करो कि 500 रुपए के अंदर वाली मेकअप किट में आपको हुडा ब्यूटी का प्राइमर आ रहा है. वाह वाह वाह, एलोवेरा जेल कैसी होती है, बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर है. और पहले जो किट ऑर्डर की थी ना उसमें भी ऐसी आया था. और मुझे बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं फेस पे पानी लगा रही हूँ यार, ऐसा कैसा प्राइमर है ये समझ में नहीं आ रहा है. प्राइमर ने दिल दुखा दिया यार, जो बात है सीधी बात है. तो मैं फेस में से इस पानी को वाइप आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा हाइड्रेटेड नहीं होना, इतना ही बिल्कुल सही है. इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन और फाउंडेशन में मेरे पास फिर से हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट है. तो ये है हुडा ब्यूटी गर्ल का व्हाइट इनविजिबल फाउंडेशन न्यू कॉम्प्लेक्शन, ऐसे कुछ इस पे लिखा हुआ है और ये कुछ ऐसा आता है, कुछ अलग पैकेजिंग में आया है यार, सचमुच हुडा का तो नहीं भेज दिया लोगों ने. तो बिल्कुल सही अंदाजा था मेरा, बोरोलीन में किसने कलर मिला के भेज दिया ऐसा लग रहा है मुझे. और मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये मुझे जरा सा भी 1% का भी कवरेज नहीं देगा, अभी आप खुद देख लेना जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी, ठीक है. देख लो फाउंडेशन को आप करो साइड लाइन, ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर से क्या आवाज आ रही वो आप सुनो. क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर कॉपीराइट आ जाएगा. कितना खौफ है बेटी सीरीज का, वाह. तो ये बोरोलिन फाउंडेशन मेरे फेस पे अच्छे से लग चुका है और कहीं भी मुझे 1% का भी कवरेज नहीं मिला है, पूरी स्किन मेरी पैची पैची हो चुकी है, सत्यानाश हो चुका है. तो ये जो फाउंडेशन है वो तो प्राइमर से भी ज्यादा वाहियात निकला, कहीं आपको दिख जाएगा रोड पे बिकता हुआ छुट्टा छट्टा 50-50 रुपए का, तब भी लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही वाहियात है ये. तो मैंने फाउंडेशन को हटा दिया है अपने फेस पे से. इसके बाद हमें मिली है ये कंटोर स्टिक जो कि है फेब सीक्रेट की कंटोर स्टिक 2-in-1. अभी कमेंट आ जाएंगे कंटोर नहीं होता है, कंटोर होता है, ये नहीं होता है वो होता है, समझ आया करो ना. ओके कंसीलर कहाँ है, 2-in-1 लिखा था इसमें कंसीलर और वो दोनों सेम ही कलर लग रहा है मुझे तो, देखना तो ये दोनों कलर सेम है कि सिर्फ मेरी आंखों को ऐसा लग रहा है. हाँ मुझे ये
डॉल स्टिक ही सही लगी है। इसके बाद मुझे चाहिए पाउडर, और पाउडर तो मुझे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, शायद इस आई शेडो पैलेट के अंदर हो। मैंने इसको मंगवाया मीशो से है, लेकिन इसके टेप पे ना अभी फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है। कितना भाईचारा है दोनों में, देखो मिलजुल के काम करते हैं। इसका MRP है 499 rupees, 500 rupees का आई शेडो पैलेट है ये। बाप रे बाप, मैंने तो पूरी किट खरीदी है 500 rupees में। ऐसा लग रहा है जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड रखने के लिए केस आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये आई शेडो पैलेट। वाह क्या डिजाइन है। तो आप ये चेक करो, ये है इसके कलर। कंप्लीट हो चुका है, अब मैं करूंगी अपना आई मेकअप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वाला शेड। इन ब्रशेस से मेकअप होना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं ले रही हूँ अपना रेगुलर ब्रश जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, BH कॉस्मेटिक। तो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना आप कौन सा ब्रश यूज करते हो, तो मैं आपको बता दूं मैं ये BH कॉस्मेटिक का ब्रश यूज करती हूँ। ये स्टैंड के साथ आता है, काफी अच्छा है। पिगमेंटेशन तो जैसे है ही नहीं इसके अंदर यार। और मैंने उठाया है ये वाला शेड जो कि सबसे डार्केस्ट है इस आई शेडो पैलेट के अंदर, तो उसका ये रिजल्ट है सोचो। तो ये वाला जो शेड है ना, इसमें है पिगमेंटेशन, और अभी मैंने इसी को अप्लाई किया है अपने आउटर कॉर्नर पे। सिर्फ और सिर्फ पाउडर अच्छा था, बाकी पूरा अजीब सा था, तो मैं तो नहीं सजेस्ट करती आपको। इसके बाद मेरे पास ये काजल आईलाइनर मस्कारा का 3-in-1 का सेट है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। और ये आईलाइनर और हमें मिला है, फर्स्ट इज दिस मस्कारा, सेकंड इज दिस आईब्रो पेंसिल, एंड थर्ड इज दिस आईलाइनर। इसका वो देखते हैं हम कितना अच्छा ये, वाओ। और एक और एक है वो भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल था इसको यूज करना होल्ड करके, तो मेरे तरफ से तो ये बिल्कुल। तो ओके, तो इसका रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हो। ये मुझे उतना भी ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया जितना आना चाहिए था। 10 में से मैं इसको दूंगी 3, तो आप समझ लो कि कितना अच्छा है। ठीक है, इसके बाद जो चीज मेरे पास है ना, उसको देख के मुझे लग रहा है कि शायद ये अपना काम करेगी, और ये है 5-in-1 पुश पॉप लिपस्टिक। आप चेक करो, ये कुछ ऐसी सी आती है, वाव। काफी डार्क शेड है ना इसके अंदर, चलेगा क्योंकि आज मेकअप काफी लाइट है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लश भी नहीं था, तो मैं ब्लश इसी लिपस्टिक से अप्लाई करूंगी। पहले हम ब्लश लगा के देखेंगे। ठीक है, ब्लश में उतना ज्यादा मजा नहीं आया जितना आना चाहिए था, और मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे ब्लश से बहुत उम्मीद रहती है, वो भी अच्छे से नहीं लगा तो फिर क्या फायदा। तो लिपस्टिक का सहारा लेंगे हम। ठीक है, तो लिपस्टिक के लिए मैं ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। मुझे हल्का सा ओके ओके सा लग रहा है, क्योंकि लिपस्टिक थोड़ी सी अच्छी लग रही है। लिपस्टिक लगने के बाद लुक कंप्लीट होता है ना। मीशो पे ना ये ऐसी मतलब नॉर्मल अकेले भी मिलती है, अगर आप उसको वैसे परचेस करना चाहते हो तो आप उसको वैसे ही परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा ये सेटिंग स्प्रे जो की है ये मेकअप फिक्सर नेचुरल फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड मैट फिनिश, लगा के देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा आता है बहुत ही वाहियात सी पैकेजिंग में। कहां जा रहा है यार ये, इतनी गंदी स्मेल है यार इसकी। क्वालिटी मैटर करनी चाहिए, क्वांटिटी कभी भी मैटर करनी नहीं चाहिए। क्वांटिटी आप देख लो कितनी सारी, 13-13 मेकअप प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ भी काम के नहीं है, पैसे बर्बाद हो गए। वही अगर 400 रुपए में एक अच्छा मेकअप प्रोडक्ट आ जाता तो वो अच्छा लगता, लेकिन मैं तो उसको टेस्ट करके आपको बता रही थी, तो मैंने आपको बता दिया है आपको इसे परचेस नहीं करना है। बहुत ही वाहियात सी है ये मेकअप की किट। सो यही था मेरा आज का वीडियो इस चीपेस्ट मेकअप किट पे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइज।